आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सहसपुर के शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगी आग की तपिश भाजपा सरकार तक भी पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने शीशमबाड़ा में कूड़ा प्लांट को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। जिस दिन से आग लगी है उस दिन से स्थानीय लोगों ने कूड़ा वाहनों को प्लांट के भीतर घुसने नहीं दिया है। बीते दिन एक बार फिर गुस्सा स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच ग्रामीणों को समझाने पहुंचे महापौर सुनील उनियाल गामा को भीड़ का जबरदस्त आक्रोश झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने महापौर का घेराव किया और नगर निगम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर, नगर आयुक्त अभिषेक रोहेला और एडीएम के मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार भी धरना स्थल पर पहुंच गए और किसी तरह ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया गया। ग्रामीणों के साथ वार्ता की गई लेकिन ग्रामीण प्लांट शिफ्ट करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक प्लांट यहां से शिफ्ट नहीं होगा कूड़ा वाहनों को प्लांट के भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके बाद महापौर सुनील उलियान गामा और विधायक सहदेव पुंडीर देर रात सीएम धामी से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को प्लांट के लिए नई जगह तलाशने के आदेश दिए हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।